मॉर्निंग एवरी वन। सो अगर बैंक निफ्टी को आज देखा जाए सो एक नीचे साइडवेज खुला और फास्ट मोमेंटम की तरफ से नीचे गिरा है वो, ठीक है। सो इसके पीछे का मैं लॉजिक समझाता हूँ मुझे क्या लगा था। अगर यहाँ पर प्रीवियस डे देखोगे, प्रीवियस टू प्रीवियस डे बहुत अच्छी स्टोरी बनाई है मार्केट में, एक अच्छी सेलिंग आई थी, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हुआ पता है, यहाँ पर ना बायर्स आ गए, यहाँ से सेलर्स आए थे और यहाँ से बायर्स आ गए, क्योंकि यहाँ से मार्केट घुमा है और यहाँ से भी घुमा है। सो कल क्या हुआ देखो, जो कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुला और वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इन लोग ने ना मे बी अगर इन लोगों ने अपनी पोजीशन नहीं निकाली होगी ना, तो इन लोग को डायरेक्ट प्रॉफिट दिख गया होगा जितना हो सके इतना, ठीक है। सो अभी क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो गया, जितने भी सेल किया था ना ये सब कैंडल्स में ना वो निकल गए होंगे, क्योंकि मार्केट देखो ब्रेकआउट दिया है, तो वो क्या करके अपना प्रॉफिट बुक करके वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर रह गए थे बायर्स, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स तो कोई है ही नहीं, क्या ऐसा मार्केट ऊपर जाता है, नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो नहीं लगा कि यहाँ पर सेलर्स बैठे होंगे, क्योंकि मोमेंटम ऐसे कर रहा था ना स्लो स्लो स्लो, तो उनको लगा कि अभी यहाँ से एक ब्रेकआउट दे देगा, तो वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जो भी बायर्स थे उनको ट्रैप हुआ, ये इतनी फास्ट मोमेंटम आई, ठीक है, कि ये बायर्स सब ट्रैप हो गए। अभी क्या लगता है मार्केट में, मार्केट अभी है ना जो भी करेगा ना फ्रेश स्टॉप लॉस के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर फ्रेश स्टॉप लॉस के मतलब मेरा हमेशा व्यू ये होता है कि देखो यहाँ पर आया नीचे, यहाँ पर थोड़ा वापस रिकवर आया, वापस यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है। नीचे गिरा मतलब क्या, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, सेलर्स आएंगे, जो यहाँ पर सेल नहीं कर पाएंगे वो यहाँ सेल करेंगे, मार्केट क्या करेगा, घूमेगा इनका स्टॉप लॉस लेगा और फिर वापस है ना स्टॉप लॉस हंटिंग शुरू करेगा, ठीक है। ये व्यू है मेरा। या तो क्या कर सकता है यहाँ से, वेट मेरे को ये हटाने दो ताकि मुझे अच्छे से समझ पाए, हाँ यहाँ से क्या कर सकता है मार्केट ऊपर ही ज़्यादा रहेगा, ऊपर ज़्यादा रहेगा, जाएगा फिर वापस है ना यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, वापस एक ऊपर जाने के ना दिखाएगा कि यहाँ मार्केट वापस रिकवर हो सकता है, रिकवर नहीं होगा ये धड़ाम से नीचे आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 90% मार्केट यहाँ पर देखो जाए तो कॉल साइड जाएगा, मतलब क्या नीचे आएगा, ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, थोड़ा नीचे ब्रेकडाउन होगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। और 10% है जो पुट की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, और वो कैसे बनेगी उसके लिए तो मुझे मार्केट को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। सो तब तक के लिए कोई ऐसा व्यू तो है नहीं, ठीक है। अगर बात किया जाए निफ्टी की भी बात किया जाए तो निफ्टी देखो, निफ्टी ने मोमेंटम थोड़ा अजीब ही किया है। निफ्टी तो कल भी ऑल टाइम हाई के पास ना ट्रेड कर रहा था, ठीक है, वहाँ से रिजेक्शन आया और ये नीचे आया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सिंपल चीज़ अभी समझना, ठीक है। जब भी ये क्लोजिंग प्राइस क्या है पता है इसका, 417 ये क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस पे ना लोग सेल करते हैं, मतलब क्या, जैसे क्लोजिंग प्राइस आया ना वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लोग सेल करेंगे, जैसे सेल करेंगे मार्केट देखो उनका स्टॉप लॉस लेने जा रहा है। ये कैंडल बन रही है तो ये क्या आपको क्या लगता है, किसने पैसा लगाया है, पैसा नहीं लगाया है, ये क्या है, ये कैंडल में लोगों ने जो सेल करना शुरू कर देते ना कि यहाँ देख के अरे अच्छा इसका ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है, उसके लिए। देखो दो प्रॉपर्टी होता है, जब भी ऊपर से आता है ना तो लोग बाय भी करते हैं, ठीक है, फिर इसके नीचे चला जाता है ना तो लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, ये प्रॉबेबिलिटी होती है, ठीक है। और जब वापस ऊपर जाता है तो वो सेल करते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जब भी सपोर्ट होता है वो नीचे खुल जाता है और फिर वहाँ पर यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो सपोर्ट है ना वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये एक व्यू बेसिकली होता है मार्केट में और होते आ रहा है। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का चार्ट देखोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा गिर गया है, निफ्टी कहीं यहाँ आसपास ही है, तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, ये रिकवर होना लगेगा, हो सकता है, पर मैं तो नहीं चाहता, मुझे तो नहीं लगता कि ये होगा, ये दिखाएगा बायर्स को उम्मीद देगा, ठीक है, और फिर नीचे आएगा, ठीक है। सो बहुत ही अभी जो भी स्टॉप लॉसेस है ना वो मार्केट क्रिएट करेगा और फिर उसको हिट करेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऊपर आ जाए नीचे आ जाए, नहीं होगा। यहाँ पर देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर सेलर जो जिसने सेल किया होगा ना वो तो अच्छे प्रॉफिट में बैठा होगा, और आज एक्सपायरी है तो मे भी मुझे नहीं लगता कि मार्केट इनको टारगेट कर सकता है। पर क्या हो रहा है आजकल कि मार्केट में ना मुझे इतना लग रहा है कि मार्केट ना वन साइड मोमेंटम करने के लिए ना देरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नए नए जो ट्रेडर्स आए हैं ना वो मार्केट में इतना फास्ट एग्जीक्यूशन करना शुरू कर गए हैं ना कि ब्रेकडाउन हो रहा है तो सीधा बाय करते हैं, कोई देखते नहीं है ना सपोर्ट ना रिटेस्ट, ये सब सीधा बाय करना शुरू करते थे। तो इसकी वजह से मार्केट है ना वो भी देखो, आप कैंडल्स देखो सिर्फ बना रही है, ये दिन तो देखो सिर्फ, ठीक है, ये दिन तो देखो। सो इसके वजह से क्या है, कोई प्रोबेबिलिटी बन नहीं सकती है, तो सिर्फ ऑब्जर्व करूँगा मैं और फिर समझूंगा कि मार्केट स्टॉप लॉस कहाँ क्रिएट करेगा और कहाँ से हम अपने ट्रेड ले सकते हैं। सो मैं अपडेट करते रहूँगा। पहले मैंने एक ट्रेड ले लिया, सो मैंने बाइंग की तरफ से एक ट्रेड लिया, अगर देखोगे तो वेट लेट मी शो द पोजीशन।
सो मैंने 52,300 का पुट को शॉर्ट किया, मतलब पुट शॉर्ट करना मतलब ऊपर, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से। ऐसा मैंने क्यों सोचा, सबसे पहले देखो एक मैंने कॉन्सेप्ट समझा, यहाँ पर जिसने भी बाई किया होगा ना उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट लेके गया, तो यहाँ पर जो भी बायर्स थे वो तो निकल गए। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट देखो यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर रैंडम जो बायर्स होते हैं ना, ना स्ट्रेटजी होती है ना कुछ होती है, सेंटिमेंट्स देख के बाई कर लेते हैं, वो उन्होंने बाई किया और उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया। फिर क्या हुआ, उनका यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मुझे बताया कि अगर 200 EMA या तो जो EMA यूज़ करते हैं ना उनसे, यहाँ पर है ना कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया था, सो रेजिस्टेंस जब लिया था ना यहाँ पर, ठीक है, कैंडल ने, तब उन लोग ने क्या किया होगा बताया, उन लोग ने सिंपली यहाँ पर शॉर्ट कर दिया होगा, तो जैसे शॉर्ट किया होगा उनको तो अच्छा प्रॉफिट मिलता होगा, मार्केट आया ऊपर आया उनका स्टॉप लॉस लेके चला गया। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं EMA ऑन कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ, लोग 20 EMA बहुत यूज़ करते हैं, तो यह देखो ये 20 EMA है, 20 EMA का मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, 5 मिनट में देखोगे तो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस आज के आसपास के पास पहुँच गया था, तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, शॉर्ट किया होगा। सो लोगों ने शॉर्ट जैसे किया उनका मार्केट ने ऊपर स्टॉप लॉस ले लिया, स्टॉप लॉस ले लिया, डन, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा था पता है, यहाँ पर सेलर्स तो चले गए, अब यहाँ पर आएंगे थोड़े रैंडम सेलर्स जो डबल टॉप ये सब देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ये बायर्स बैठे हैं ना, वो है बायर थोड़े तो आए हैं, पर ये सब मोमेंटम देख के, ये सब मोमेंटम देख के मे बी वो निकल जाएंगे, ठीक है। सो जब तक अगर मैं देखूँ तो स्टॉप लॉस तो मुझे ऊपर ही दिख रहे हैं। मार्केट क्या करेगा, ये 200 का एक राउंड नंबर भी है, ठीक है, मार्केट थोड़ा यहाँ पर ऐसा ऊपर करेगा और यहाँ से ऊपर जाके सीधा ऊपर जाना शुरू कर देगा, मेरे को ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मार्केट ने देखो सबसे पहले यहाँ पर सेलर्स आए थे, ठीक है जी, वापस यहाँ पर सेलर्स आए, देखो यहाँ पर थोड़ा नीचे आया मार्केट, वापस यहाँ से, ये फास्ट जब बड़ी बड़ी कैंडल मिलती है ना तो लोगों को मिस आउट फील होता है, तो वो क्या करते पता है, वो बाई वो सेल करना शुरू कर देते, पुट बाई करना शुरू कर देते, क्योंकि इतना फास्ट मोमेंटम आ रहा है और वो बोले कि यार यहाँ से मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा। और निफ्टी का देखो आप रूप, निफ्टी इतना फास्ट गिरा है तो क्या करेंगे पता है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि निफ्टी में तो नहीं पकड़ पाए तो क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना शुरू करेंगे, जैसे वो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पर अगर नहीं जाता तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा है, हमारे यहाँ आसपास स्टॉप लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये व्यू से मैंने मार्केट में एंट्री ली है। अगर एग्जिट अगर बताऊँ तो अभी हम ब्रेक इवन पे ही चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ आसपास ही मैंने शॉर्ट किया है, मेरा स्टॉप लॉस ये लेवल के आसपास ही होगा, ये यहाँ पर तो मेरा निकल जाऊँगा मैं, ठीक है। और टारगेट की बात किया जाए तो ये लेवल जो ऊपर है, मार्केट धीरे धीरे आके इनको कॉन्कर करके ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट ने ऐसा सेंटीमेंट बनाया है, यहाँ पर देखो बैला बाया रहा नीचे आया, तो यहाँ थोड़े रह गए होंगे, जो रह गए होंगे उनका मार्केट ने यहाँ स्टॉप लॉस लेने आ चुका है, ठीक है। तो ये व्यू से मैंने ट्रेड लिया है एक, सो लेट्स सी, मैं अपडेट करते रहूँगा। अगर बैंक निफ्टी को अभी देखा जाए, बैंक निफ्टी टाइट रेंज में देख सक रहे हो, यहाँ से नीचे आ रही है फिर यहाँ से हैमर बना के ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर जब तक मुझे पता है ना लोग ने सेलिंग ज़्यादा की होगी, मुझे नहीं लगता कि अभी ये मार्केट नीचे आएगा गिरेगा, क्योंकि देखो निफ्टी रिकवर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर पुट लोगों ने पुट रखे हुए हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है जब तक मैं सोच रहा हूँ ना तब तक, कि पुट मानसों ने लोगों ने लिया होगा और वो बैठे रह गए होंगे। अगर लॉस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हम जो लॉस देख रहे थे उससे आधे के आधे पे आ गए, तो अगर अभी यहाँ से स्टॉप लॉस आता है तो फिर ब्रूटली मार्केट गिरेगा, यहाँ से गिरते ही जाएगा, पर अगर ये रिकवर हुआ तब देखते रह जाओगे मार्केट यहाँ से सीधा रिकवर होके अच्छे पॉइंट पे क्लोज़ होगा, बहुत अच्छे क्लोज पे, तो भी देखते हैं, क्योंकि 52,200 पे है ना तो यहाँ पर ऊपर पुट राइटर्स आ गए होंगे, यहाँ पर नीचे तो कुछ काम नहीं करेंगे, तो अभी मार्केट के लिए नीचे तो स्टॉप लॉस नहीं है जब तक मुझे देखा जाए, 2 दिन से अगर देखूंगा तब तक तो मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ स्टॉप लॉस है ही नहीं, दिख रहा करो कहाँ दिख रहा है स्टॉप लॉस, नहीं है, ऊपर स्टॉप लॉस है 100% है। निफ्टी की बात की जाए वो तो रिकवर देखो क्या शार्प रिकवर होना शुरू हो गया है, ठीक है। सो ये ऐसा रिकवर होता है ना, तो होता क्या है कि लोगों ने यहाँ पर बनाया है पुट और यहाँ पर लोगों ने क्या किया, यहाँ कुछ बना नहीं पाए, तो अभी ये रिकवर होना शुरू हो गया है, ये यहाँ पर पुट बनाया है तो वो बैठा रह गया है, तब क्या होगा, ये इतना इजीली ऊपर जाएगा बहुत ही अच्छी मोमेंटम के साथ, देखते हैं कहाँ भी जाएगा, बहुत अच्छी मोमेंटम के साथ जाएगा। देखो प्रीमियम्स की देखो दे तो प्रीमियम्स 50,300 का मैंने पुट शॉर्ट किया है, सो मेरा 180 के एवरेज कॉस्ट है उसके आसपास आया था ये, पर अभी तो देखा जाए तो ये वही रेंज में खेल रहा है, सो लेट्स सी कैसे मार्केट इसको डाइजेस्ट करता है। मैं पूरा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गया था, सो लास्ट में जब मैंने बताया था ना कि जब ये मार्केट पूरा यहाँ से आके हमें जितना प्रॉफिट दे रहा था वो ब्रेक इवन में आके लॉस में कन्वर्ट हो गया, फिर मार्केट यहाँ से वापस उसने मोमेंटम किया
और फिर मैंने जाकर यहाँ पर आसपास है ना 3 बजे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। तो कल का मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा ही वॉलेटाइल था, सो इसलिए मैंने आज अपलोड किया है, ठीक है। सो आज की वीडियो मैं दोपहर को 4-5 बजे के बाद डाल दूंगा। सो ये वीडियो जो अभी डाल रहा हूँ वो कल की होगी, ठीक है, जो कि है 10th जुलाई। सो और अगर प्रॉफिट की बात किया जाए वो दिन की, सो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ प्रॉफिट वो दिन को क्या हुआ था, 10th जुलाई को, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो उसकी वजह से मेरे पास ये भी नहीं था, उसका टर्मिनल रिफ़्रेश हो जाता है। सो अगर प्रॉफिट की बात की जाए 10th जुलाई की, सो अराउंड वो था ये रहा, तो हमने अराउंड 1800 का प्रॉफिट बनाया था जो कि था 10th जुलाई को, जैसे कि आपने डेट भी देख सकते हो, ठीक है, 10th जुलाई।